कालिया बना दिया लौंडे को, कालिया बना दिया, एक तो धूप में बिठा बिठा के तुमने बच्चे को। हाँ मैंने किसी को साइकिल चलवाई थी, एक माताश्री ने रोटी खा ली एक, जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुई लड़के को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज है भैया खतरनाक वाली ठंडी, देखो 10 बज चुके हैं और धूप का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। अच्छा हुआ मैं आज कार लेके आ गया, वरना मेरा प्लान बन रहा था कि आज बाइक से जाऊंगा, बट चलो अच्छा हुआ। सच में हाथ काटने वाली ठंडी हो रही है, तो ये फटाफट से चलते हैं घर, पैर टलाते हैं कार में पेट्रोल, उसके बाद घर चलते हैं। अपने चैंप की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से ठीक नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है या फिर घर का ही कुछ इलाज विलाज करना है। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं। तो पहले तो करा लेते हैं अपने कार की पेट पूजा। बहुत तेल खाती है भाई, ये नॉर्मल में और उसमें कितना फर्क है? 6 रुपए का फर्क है। बहुत बढ़िया। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, भाई ने पावर वाला तेल डाल दिया 101 रुपए लीटर का। भाई साहब 6 रुपए महंगा है नॉर्मल वाले से, अब इतनी पावर लेके कहाँ जाऊंगा मैं कार में। पर चलो कोई नहीं, तो ये चेक करें आप, कल ही वॉश करी थी, सिर्फ जिम लेके गया हूँ सुबह सुबह, और ये देखो फिर से पहले की तरह गंदी होने लगी, यही होता सर्दियों में। हाँ जी कैसी तबीयत है बाबूजी की अब? हाँ जी कैसी तबीयत है अब? सो रहे? गाना सुनने थे। गाने तुम सुना रही हो? जो तुम्हारी आवाज तक तो बाहर तक आ रही है। मेरी आवाज तक आ रही है? हाँ साथ में गा रही ना मोबाइल के। देखो कितने साफ हो गए, काजल वाजल बेचारे का। आज तो काजल साफ हो गया है, देख आँख खोली उसने। हाँ जी हाँ गाने सुन रहे हो? मम्मी के साथ गाने सुन रहे हो? तुमने डिस्टर्ब कर दिया आके। चलो सुनो सुनो, मैं बाहर जा रहा अभी। लला की बॉडी की पन्नी है, ले जा, वो तो पन्नी में रखी है अंदर, फेंक दियो। मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। मैं कूड़े जाना फेंक दियो ना। अरे पन्नी में तो बात थोड़ी निकल जा भाई। वीडियो बना रहे हो ताक ले साहब, ले जा फिर। तो भाई साहब 10 दिन से साहिल बॉस कूड़े में पोटी लेके जा रहे बच्चे की, बस उसे पता नहीं था, आज मैंने बता दिया तो बस क्या क्या करने लग गया, मैं नहीं ले जाऊंगा मैं नहीं ले जाऊंगा। पता है इतने से पता लगा उसे? जब से पता नहीं दे दो भाई, लेके तो डेली जाता है। अरे बदबू नहीं आती उसकी पोटी में? देख अच्छे से पन्नी पैक करके मिली है, आज बताया थी तो पता चल गया। मुझे पता है। क्या पता है? भाई साहब मौसम देखो कितना भयंकर हो रखा है आज, 12 बजे क्या हालात हो रहे। क्यों कुलकुला रहे हो तुम? मम्मी की वजह से तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? हाँ भाई माताश्री ने रोटी खा ली एक, जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुई लड़के को, बोला था गला के रोटी खानी है। गला की खाई? कल रात कैसे खाई पूरे? क्या कल रात तो ऐसी खा ली? हाँ जिसी वजह से भी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है ना, कालिया बना दिया एक तो धूप में बिठा बिठा के तुमने बच्चे को। हाँ बात करोगे? हो अच्छा, ओहो ओहो अंगड़ाई ले रहे हो? हाँ ओ तुम पे यही काम है बस, खाना पीना हंगना सोना सोए। ये देखो चैंप का चल रहा है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जा रही हैं इसके लिए, मम्मी बना रही हैं। देखो पत्थर पे घिसाई चल रही है, क्या है ये? जायफल की घिसाई चल रही है पत्थर के ऊपर। ओ भाई बाबूजी पी लो, अरे दवाई है पी लो पी लो, अरे पी ले, अरे बच्चे फैलाओ मत, बाहर मत निकाल। हाँ समझ रहा हूँ मेरी बात, जानता है वो, रोज बात करता है मेरे से। हाँ बस 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 पी लिया पी लिया, बढ़िया देख ले पिला दिया, तुमसे ना हो पाता। हो गया, मैंने तो पी लिया। हाँ तो अभी टाइम हो गया है चलने का, टिफिन पैक हो चुके हैं अपने, चलिए चलते हैं फटाफट से, बाइक लेके जानी है। और शाम को डेली बाइक से ही जाता हूँ मैं। अब इधर खड़ी है अपनी परी, ओ भाई क्या हाल हो गया, चलो दुकान पे ले जाके वहीं कपड़े से साफ करूँगा थोड़ी सी ना। सो गाइज अभी मैं पहुंचा था अपने सप्लीमेंट स्टोर, बट मुझे अभी जाना पड़ेगा सिटी एक सामान लेने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ही है बट अपने पास नहीं मिलता है, तो किसी को देना है मुझे, तो मैं उनके लिए स्पेशल लेने जा रहा हूँ। मैंने किसी को साइकिल चलवाई थी एक, आजकल ना
बच्चे बच्चे की जुबान पे ना साइकिल बहुत मशहूर है, तो लेके आते हैं आप। Hours later. तो जो सामान लेने गया था सामान तो लेके आ गया हूँ मैं, तो एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये देखो। बट मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, ना मैं इसके फायदे ना मैं इसके नुकसान कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। पर एक बात है भाई, आज धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, एक मिनट के लिए भी धूप नहीं निकली है आज। देख रहे हो मौसम अभी भी ऐसे हो रहा है, बादल जैसा हो रहा है। आज कल ना कहीं बाहर जाना हो नहीं रहा है, सिर्फ जिम, सप्लीमेंट स्टोर, घर और अपना चैम, यही सब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने सोचा है मैं एक दिन छोड़ छोड़ के ब्लॉग अपलोड करते रहूँ, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। कहीं बाहर जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, बाकी न्यू ईयर पे कहीं जाएंगे पक्का, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग जितना भी सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारे जिम के महान हस्तियां हैं, जिनका आज तक कोई टाइम ही नहीं जिम आने का, दिन में 2 बजे 3 बजे जब मन करे चलो भाई जिम चल रहे, खुला मिलेगा, देख रहे हो प्लस पॉइंट टाइटेनियम जिम का। आज मैं हेलमेट लगा के जिम करेगा क्या आज? ना ना, हेलमेट उतार के करूंगा। फिर ठीक है, चलो ठीक है। देखो इन्होंने सामान भी लिया है, प्रोटीन लिए हैं, सबसे बड़ा सामान है, सबसे फ्री का सामान ये लेता है बस सैंपल। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जिम में ही। तो आप लोगों को पता ही है अपने जिम के पास में सप्लीमेंट स्टोर है, तो कभी भी आ जाते हैं भाई लोग चाबी लेके, भैया वर्कआउट कर लेते हैं, कर लो यार क्या दिक्कत है, देख रहे हो। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे भाई सर्दी में भी देखो बारिश, देख रहे हो, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो बारिश ही आ गई, अब वो ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। सो गाइस 4 बज चुके हैं और अपने डाइट का टाइम हो गया है, 2 ब्राउन ब्रेड पीनट बटर के साथ और वे प्रोटीन। सो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और मैं ले रहा हूँ अपनी डाइट, चिकन और राइस, और बाहर हो रही है बारिश। अब मैं सोच रहा हूँ बारिश जब बंद होगी तब घर जाऊँगा, भीगना नहीं है वरना बीमार हो जाऊंगा, आज कार लेके तो आया ही नहीं हूँ। चलो बारिश बंद होने का वेट करते हैं और डाइट एंजॉय करते हैं, क्या कर सकते हैं। काजी काजी कर दो बाबू की काजी मुंह में करवा मुंह फाड़ देता है। चलो काजी ला कराओ जी, काजी अब बना दे उसका भूत की राजी राजी, तभी तो सुबह सुबह काला दिखता है उसका मुंह, देखो क्या रे भाई। अरे बाबा कालिया बना दिया लौंडे को, कालीचरण बना दिया, कालीचरण ये कालीचरण ये दिदा देख कालीचरण दिख रहा है मुझे दीपक, देख ले ओहो आ जाओ गाने सुनाते हैं तुम्हें, इस सुबह तक पूरा मुंह काला कर लेता अपना। ओ भाई रो गया आ जा द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है दूसरा दिन और मैं अपनी प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ, 3 अंडे की ऑमलेट और 1 स्कूप प्रोटीन, तो फटाफट से खाते हैं निकलते हैं। आज मैं सही टाइम पे रेडी हूँ, अभी 6 बजे हैं और अपनी प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ, वो बस इसलिए क्योंकि ऋषिकेश को मैंने कल बोल दिया था कि घर से निकलते टाइम मुझे फ़ोन कर देना, आज लगभग 5:40 पर उसका कॉल आ गया था, तो मैं टाइम से उठ गया और अपना मील लेके फटाफट से निकलते हैं। ओहो मतलब रात में भी हल्की फुल्की बारिश तो हुई है, कार देख के और रोड देख के पता चल रहा है। 2-3-4 दिन अगर बारिश हो जाती है ना अच्छे से, तो फिर मसूरी वगैरह में धनौल्टी में बर्फ पड़ जाएगी, ऐसे ही होता है वैसा। सो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अपने प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ये 2 मील ना पूरे दिन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील रहती है। जितना अच्छा प्री वर्कआउट मील आप लोग जितने अच्छे कार्ब्स लोड करोगे अपनी प्री वर्कआउट मील में, उतना ही अच्छा आप लोग वर्कआउट कर पाओगे, और पोस्ट वर्कआउट मील में जितना अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन लोगे जितने अच्छे कार्ब्स लोगे उतना ही आप अपने मसल को रिकवर आउट डेवलप कर पाओगे। तो इन 2 मील का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मेरे बहुत सारे भाई लोग देखे जो मतलब कुछ खा के नहीं आते जिम, ऐसे आ जाते हैं कि भैया 2 घंटे पहले खाया 3 घंटे पहले खाया, देखो भैया 2-3 घंटे पहले खाने से बॉडी नहीं बनती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इस चीज का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ओह
भाई साहब, कार से निकलते ही ना हवा चल रही है ठंडी ठंडी, पक्की बता रहा हूँ। या तो धनौल्टी साइड बर्फ पड़ गई होगी, नहीं पड़ी होगी ना तो एक दो दिन में पड़ जानी है, बहुत ठंडी हवा चलती है। सो गाइज, अभी अभी मैं पहुंच गया अपने सप्लीमेंट स्टोर। देख रहे हो सुबह 6 बजे सप्लीमेंट स्टोर खुल गया अपना। नहीं ये मजाक था, क्योंकि सुबह 6 बजे इसलिए खुला है, मैं अपना प्री रिकॉर्ड भूल गया था कल स्टोर में, तो अभी प्री रिकॉर्ड पियेंगे, वर्कआउट करेंगे, इसलिए प्री रिकॉर्ड लेने आया था मैं, यहीं पी लेते हैं फटाफट से। और अपना चार्जर, वैसे अपने फ़ोन की ना बैटरी ख़राब हो गई है यार, रुक जा भाई, अपने फ़ोन की ना बैटरी ख़राब हो गई है और चार्जिंग सॉकेट भी ख़राब हो गया, देख रहे हो दुख। तो देखते हैं सही कराएंगे थोड़ी दिन में। फिलहाल तो प्री रिकॉर्ड पीते हैं और लगाते हैं अपना वर्कआउट चल के,